ओके okay, नमस्कार आदाब सत्या मैं हूं कपिल कार्टपाल स्वागत है आप डेली इज़ थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन विद मी ओके सो सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा एट द रेट के आटपाल सर्च करके ताकि आपको मेरी क्लासेज के अपडेट्स एंड पी डी और ऑल मिल जाए राइट right, इस क्लास का एक इसी क्लास के एक एम सी होते हैं रात को दस बजे होते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जाकर क्लिक करके एनरोल कर लीजिएगा ठीक है और बाकी आप देख सकते हैं सुबह साढ़े छ बजे और आठ बजे क्लास रहती है ठीक है और कल जी हमारी क्लास रहेगी प्लस क्लास रहेगी सुबह ग्यारह बजे राइट ओके सो ये एक अनकेडमी कॉम्बैट एवरी संडे आपका होता है यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं इसको आ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको उसके लिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे लिंक विंक सब आपको दे रखे हैं कॉम्पैक्ट को ज्वाइन करने के लिए लिंक दे रखा है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है सुबह दस बजे एवरी संडे आपका ये टेस्ट होता है अनएकेडमी पर ये कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं आप अगर अन अकेडमी प्लस लेने की सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप आरबी नबार्ड और बैंक का एक जो कॉम्बो ऑफर है वही उसी को ही अवेल कीजिए वही लीजिएगा ताकि आप इन केस फ्यूचर में अगर आप स्विच करते हैं आर वी नबार्ड की प्रिपरेशन में या उनके भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए या फेज़ टू की प्रिपरेशन भी आपकी आपकी पहले से हो जाए या आप जब करना चाहो तब आप कर पाओ चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और पहली न्यूज़ है आप सभी के सामने लद्दाख से लद्दाख ने डिक्लेयर किया स्नो लेपर्ड को उसका स्टेट एनिमल और ब्लैक नेक्ड क्रेन को उसका स्टेट बर्ड ओके सो so लद्दाख की तरफ से न्यूज आई है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने वहां का स्नो लेपर्ड जिसको यहां पर पैंथरा उन साइंटिफिक नेम है उसका उसको स्टेट एनिमल और ब्लैक नेक्ड क्रेन को आपका स्टेट बर्ड घोषित किया इससे पहले यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही एरिया होता था तब उस वक्त यहां पर ब्लैक नेक ट्रेन एंड स्टैग जो है वो स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल थे ठीक है अब अब जब अलग हो चुका है आप सभी को मालूम है लद्दाख अलग हो चुका है जम्मू कश्मीर से तो अब लद्दाख ने अपना खुद का एक स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड घोषित किया है इसकी लगभग पॉपुलेशन जो आंकी गई है वो यहाँ पर लद्दाख एरिया में ब्लैक की तकरीबन 80 से 100 आंकी गई है एज वेल एज द स्नो लेपर्ड की लद्दाख में जो है वो आपके 200 से 300 की ही पॉपुलेशन है एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए एक एग्जाम एक में क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही वाला है ठीक है तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको आगे चलते हैं uh, कुछ चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं कुछ हाई कोर्ट्स में और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस जजेस अपॉइंट किए गए हैं चलिए देखते हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली न्यूज होगी नाम बहुत सारे हैं आपको याद रखने पड़ेंगे देखते हैं क्या प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं कुछ एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर कोर्ट ऑफ तेलंगाना ओके तेलंगाना कोर्ट यहाँ पर सिक्किम एंड द कर्नाटका आर्टिकल टू टू थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ये यहाँ पर लेंगे चार्ज ओके okay, यहाँ पर स्टेट क्यों नहीं लिखा हुआ ओके आई थिंक स्टेट में यहाँ पर मिस हो गए कोई बात नहीं जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें स्टेट आ जाएंगे ठीक है सो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा मीनाक्षी मदन राय एंड मोमिदना सत्या रत्ना ये तीनों के तीनों आपके जजेस रिस्पेक्टिवली हो सकता हो बाकी मैं लिख दूंगा ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोनाली आई नो नहीं ओपन हो रहा है अब सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं होती है कई चीजें सॉल्व ठीक है टाइम लगेगा आई नो नहीं हो रहा कंट्रोल कर लो प्लीज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आप तो इस तरह से इतनी हाइप हो रही हैं कि आपका एग्ज़ाम है और अर्जेंट है मतलब कि अभी सब कुछ आज ही कर लेना था आपको सब कुछ है ना दो घंटे के लिए वेबसाइट डाउन हो ये सब कुछ आज ही आपको कंप्लीट कर लेना था है ना आप लोगों से पहले पता चल जाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है उसमें काम ठीक है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड अपॉइंटेड नाइन सुप्रीम कोर्ट जजेस तो नो सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी अपॉइंट किया गया और ये यहाँ पर आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर के तहत किया गया है आगे चलते हैं इसी न्यूज पर अपॉइंटमेंट और नाइन जजेस जिसमें तीन महिलाएं शामिल हैं सो so इसी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या जो है वो तेतीस हो चुकी है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की थर्टी फोर है नो जजेस के नाम यहां पर देख सकते हैं आप जस्टिस ए एस ओका यहां से आप देखो यहां से आपको समझ लग जाएगा ये ओका है तो ये आपके कर्नाटका के हो गए ठीक है दिस वन इज कर्नाटका ओके जितेंद्र कुमार महेश्वरी किधर है जितेंद्र सिक्किम के हो गए ये वाले यार एक तो पेन पता नहीं कहाँ चला सिक्किम और तीसरे हैं ईमा कोहली ईमा कोहली तेलंगाना ओके सो so, ये नौ जजेस हैं यहाँ पर आप जस्टिस विक्रमनाथ सिद्धार्थ कुमार महेश्वरी हिमा कोहली बीवी नंगराटना सीटी रवि कुमार एमएम सुंदरेश बेला एम त्रिवेदी पीएस नरसिम्हा जस्टिस एम फतिमा बीबी अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में और ये पहली महिला जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की एम खनविलकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी इन्होंने जगह ली जस्टिस रोहिंटन फली नरेमन की

मतलब ये पूरी की पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है ये पूरी की पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है स्टेट इंपॉर्टेंट है जजेस के नाम तो है ही कितने नंबर ऑफ जजेस हैं ये तक पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में ठीक है आगे चलते हैं हम हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पर चालीसवीं मीटिंग नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की की ठीक है और इसी मौके पर यहाँ पर एक लॉन्च किया गया परिमन जियो पोर्टल को हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन्होंने यहाँ पर चेयर की चालीसवीं मीटिंग ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली और उसके आसपास के का इलाका हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट जिसके तहत यहां पर हरियाणा राजस्थान दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश में जो यहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उससे रिलेटेड यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया एक एग्रीमेंट को लॉन्च किया गया है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बनाया गया है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी जो कि चेयर पर्सन भी है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के ऑनलाइन जियो पोर्टल परिमन जो है वो बेस्ड है आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया एनआईसी के द्वारा एंड ये भी यहाँ पर लॉन्च किया गया इसका बेसिक पर्पज है जियो पोर्टल परिमन का जो परपज है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इट विल बी कवरिंग इट विल बी गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स लाइक किस तरह का लैंड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या अवेलेबल है इंडस्ट्रीज कौन सी है वाटर पावर हेल्थ एक्सेट्रा जो भी उस एरिया में यहाँ पर मौजूद है चीजें वो सब के बारे में यहाँ पर आपका ये ये सब चीजें एरिया ये आपका ये पोर्टल बताएगा परिमन ओके okay, सो so यहाँ पर Uh, एग्जाम पढ़ने से किसने चेयर किया चालीसवीं मीटिंग थी यहाँ पर और क्या लॉन्च किया गया परिमन नाम का एक जियो पोर्टल लॉन्च किया गया किससे रिलेटेड है एनसीआर रीजन से रिलेटेड है आगे चलते हैं है ऑनलाइन डिपार्टमेंट ओके ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इन डिपार्टमेंट में द पेमेंट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल मोड पेमेंट सो यहाँ पर आपका ये किया गया है एक लॉन्चिंग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस में इसमें दो कंपोनेंट है वाहन सार्थी। वाहन वाहन एंड दी सारथी पर क्या करेगा वाहन डील कर रहा है आपका नए जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है किसी तरह का रिन्यूवल है डुप्लीकेट परमिट आपको बनानी है टैक्स पेमेंट इन सब से रिलेटेड है और सारथी सारथी क्या काम करेगा सारथी आपकी नई एप्लीकेशन है लर्नर लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस है कंडक्टर लाइसेंस बेसिकली सारे के सारे लाइसेंसिस से रिलेटेड जो पोर्टल है वो यहाँ पर सारथी है और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है प, आपके जो फिटनेस है रिन्यूअल है सब चीजें एनओसी वगैरह देनी है वो सारी सारी चीजें वाहन पोर्टल पे होंगी सो ये मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वाहन एंड दी सारथी आगे चलते हैं हम गोवा गोवा बना है पहला राज्य है जिसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री में पानी देने का फैसला किया है ओके फ्री में पानी देने का फैसला किया है अगर किसकी कंजम्पशन सोलह हजार लीटर तक आती है तो उसका जो बिल है पूर्णतया माफ हो जाएगा वो बिल आपका जीरो आएगा और ऐसा करने वाला ये पहला इंडियन स्टेट बना है कौन सा गोवा गोवा हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू नॉट टू चार्ज फॉर वाटर कंजन अप टू सिक्सटीन थाउजेंड लीटर राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में नॉमिनेट किया है शूटर अवनी लखेरा को और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बेटी बचाओ बेटी अभियान जो प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली यहाँ पर अवनी लखेरा इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट का बनाया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत तो जो ये अभियान चल रहा है अवनी लखेरा जयपुर से ही बिलोंग करती हैं और ये पहली महिला इंडियन महिला भारतीय महिला बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया टेन मीटर राइफल में एंड आल्सो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें उन्होंने 249.6 पॉइंट्स के

हम एक साथ करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट समरी उसकी मैं अलग से बताऊंगा आपको जिसमें सारे गोल्ड सिल्वर ब्रोज जो जो भी जीता है हमारे देश के खिलाड़ियों ने उसके ऊपर भी बात करेंगे ठीक है सो so, फिलहाल अवनी लखेरा ब्रांड एम्बेसडर कौन सा स्टेट राजस्थान स्टेट कौन सा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आता है नवनील अखेरा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं जयपुर से बिलोंग करती हैं और इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल 10 मीटर की राइफल में जीता कितने पॉइंट्स इन्होंने दर्ज किए थे एज वेल देवेंद्र झाझरी एंड सुंदर गुर्जर इन्होंने भी गोल्ड इन्होंने भी मेडल्स आपके जीते हैं आगे चलते हैं हम दिल्ली ने टॉप किया है फोर्ब्स की इंडिया लिस्ट वर्ल्ड मोस्ट सर्विलियट सिटीज में ओके सो तो यहाँ पर फोर्ब्स की लिस्ट आई थी जिसमें यहाँ पर देखा गया सबसे ज्यादा सीसीटीवी कहाँ पर है और दिल्ली ने इस लिस्ट में यहाँ पर टॉप किया दिल्ली हैज टॉप इन दिस लिस्ट ऑन द मोस्ट सर्विलियड सिटीज इन द वर्ल्ड जिसमें वन एट टू वन कैमराज यहाँ पर पर स्क्वायर माइल एक एवरेज लगाया गया पर हर एक स्क्वायर माइल में 1826.6 सौ छब्बीस कैमराज इंस्टॉल्ड हैं जबकि लंदन में यही संख्या ग्यारह है चेन्नई में छह सौ आई है जो कि सेकेंड और तीसरे स्थान पर है मुंबई ने यहाँ पर अठारवा स्थान हासिल किया 157.4 फिफ्टी कैमरा से सो so, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है दिल्ली और मुंबई में कैमरास पर स्क्वायर माइल में दिल्ली में वन एट वन एट टू सिक्स पॉइंट सिक्स सीसीटीवी कैमराज पर स्क्वायर माइल फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार सबसे टॉप पर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा लंदन आई के नाम से ये एक व्हील सा होता है यहाँ पर आपको लेके जाया जाता है ऊपर और पूरा का पूरा लंदन शहर वहां से दिखता है राइट सो इसी तरह का अब कुछ दुबई में ओपन किया गया और ये उससे भी बड़ा है जिससे जो कि लंदन आई था उससे भी ये ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील रहा आई दुबई ओके सो यहाँ पर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील आई दुबई दुबई में आपका ओपन हुआ uh, ये आपका लोकेटेड है ब्लू वाटर्स आइलैंड में यहाँ पर इंडिया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड स्टारनेथ इंजीनियर ने इसको बनाया है यहाँ पर एंड ये यहाँ पर लंदन आई जो कि यहाँ पर उससे भी दो टाइम्स डॉलर है दो गुना ऊंचा है उससे लंदन आई से जो कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा राइट? सो दिस इज़ दी लंदन आई से भी ऊंचा कहां पर बनाया गया है दुबई में बनाया गया है दुबई ब्लू वोटर आइलैंड इंड आई इंजीनियरिंग। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आपकी

जहां पर उनका जन्म हुआ उससे बाहर रह रहे हैं ये पूरी दुनिया की रिपोर्ट है इन 10 36 मिलियन जो हैं वो यहाँ पर बच्चे ही हैं 281 मिलियन में से 36 मिलियन बच्चे ही हैं नंबर इज इंक्रीज अमंग बॉयज एंड गर्ल्स यंगर देन 18 साल से अगर कम है तो 30.55 मिलियन 2020 में ये संख्या दस मिलियन चाइल्ड रेफ्यूजीज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड वार की वजह से दूसरे देश पर चले गए एंड इन द ईयर देर वर फिफ्टीन मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट यानी कि इन दिस ईयर यहाँ पर एक साल में ही पंद्रह मिलियन नए लोग यहां पर मूव किए हैं नियरली टू थर्ड्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी में जहां पर रेफ्यूजीज भी शामिल थे वर बोर्न इन मिडल इनकम कंट्रीज एंड ओनली थर्टीन परसेंट born बोर्न इन दी लो इनकम कंट्रीज में यहाँ पर बोर्न हुआ उनका जन्म हुआ एग्जाम पॉइंट से रिपोर्ट दे, दे देंगे पूछेंगे किसके द्वारा दी गई यूनिसेफ के द्वारा दी गई तो इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा है आपको बता दो ये टू एट्टी वन मिलियन याद रख लेना थर्टी सिक्स मिलियन याद रख लेना ठीक है और वैसे तो ये ज़्यादा कुछ डाटा है नहीं इसमें थोड़ा बहुत है याद कर लेना कोशिश करना अगर हो जाता है बट एटलीस्ट ये टू एट्टी वन और थर्टी सिक्स तो याद होना ही चाहिए आपको फोन पे ने यहाँ पर हाल ही में एक अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उनको अकाउंट एग्रीगेटर एज वेल एज द इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दो उनको यहाँ पर प्रपोज अप्रूवल मिले हैं एक तो उनको आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दिया गया अकाउंट एग्रीगेटर के फॉर्म में काम करने का और दूसरा उनको ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है इंश्योरेंस का इंश्योरेंस का ब्रोकिंग लाइसेंस उनको यहाँ पर दिया गया है ओके okay, सो so यहाँ पर न्यूज पढ़ते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फोन पे को अकाउंट एग्रीगेटर टू शेयर दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ किसी प्लेटफॉर्म के साथ यहां पर इसलिए उनको अकाउंट एग्रीगेटर का यहां पर किरदार निभाओ किरदार क्या कहूंगा उनको अकाउंट एग्रीगेटर का यहाँ पर दर्जा दिया गया है बट ये इंफॉर्मेशन शेयर तब भी कर पाएंगे जब उनका कस्टमर उसके लिए कंसेंट देगा सो दिस विल बी फ्री एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ऑन दी डबल ए इको सिस्टम लाइक दी आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो यहाँ पर इनके साथ इन्वॉल्व रहेंगी ठीक है ए डबल वॉज अलाउड ओनली टू ट्रांसफर द क्लाइंट डाटा बट नो टू स्टोर इट ये स्टोर नहीं कर सकते वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं आर ने यहाँ पर 2016 में इसके रिलेटेड कुछ डायरेक्शन भी जारी की गई थी जिसके तहत कस्टमर अपने बेनिफिट्स लाइक भी उसको अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखनी है अपने डिपॉजिट को ट्रैक करना है अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है क्रेडिट कार्ड अवेल करना है एक ही प्लेटफॉर्म पे तो वो सब चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब यहाँ पर वो उनके तक पहुँचेगी इंफॉर्मेशन उन तक कनेक्ट होगा आपका उनका अकाउंट या फिर उनके अकाउंट स्टेटमेंट तभी तो आपको वो सब चीजें बताई जाएंगी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे इन अक्टूबर 2020 इंडसइंड इंडस बैंक बना था पहला बैंक इन इंडिया जिसको यहाँ पर दिया गया था डबल ए का दर्जा एंटिटीज़ well जिनके पास डबल ए लाइसेंस है यहाँ पर आरबी का वो है कोकेजर टेक्नोलॉजी फिनसेक ए टेक्नोलॉजी एन ई e सी एल सेट डाटा एंड दैम फिंस ओके सो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है एंड इसके अलावा इंश्योरेंस के, के फील्ड में भी यहाँ पर आएगा ब्रोकिंग लाइसेंस इनको दिया गया है यहाँ पर इंश्योरेंस सेल कर सकता है यहाँ पर फोन पे ठीक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है सो so, एग्जाम एग्जाम्पॉइंट से फोन पे के नाम ही आएगा फोन पे ने क्या किया है फोन पे को किसका अप्रूवल मिला है इंश्योरेंस इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है एग्रीगेटर का एक अप्रूवल मिला है ओके मेन मेन ये चीज़ है और कौन सा पहला बैंक था इंडस बैंक था और कौन कौन से और इसमें एंटिटीज हैं जिनको मिल चुका है ये सारे के सारे इसमें और एंटिटीज है जिनको ए डबल ए लाइसेंस मिल चुका है ओके चलिए आगे चलते हैं PayU पे पेमेंट्स ने एक्वायर किया है इंडियन इंडिया आइडियाज डॉट कॉम लिमिटेड कोके सो okay, so यहाँ पर PayU पे पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने सब्सिडरी है प्रोसेस की एंटर किया है एग्रीमेंट इंडिया आइडियाज डॉट कॉम लिमिटेड बिलडस्क के साथ जिसके तहत तो उन्होंने एक्वायर किया उसके हंड्रेड परसेंट इक्विटी स्टेट फोर पॉइंट सेवन बिलियन यू एस डॉलर में सो पेय पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड है बिलडस्क को फोर पॉइंट सेवन मिलियन यू एस डॉलर में पहली चीज तो तुम लोग क्लास में टाइम से आए करो जब भी पता है क्या होता है एक चीज बताऊ क्लास में जब तुम बचपन में आते थे ऑफलाइन क्लास में या जब भी भी तुम क्लास में तो, तो पीछे आगे चुपचाप बैठ नहीं जाते थे शोर तो नहीं मचाते थे ना ठीक है जब भी क्लास में लेट आए करो तो चुपचाप बैठ जाया करो है ना कई बार तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसे कमेंट टाइप हो जाते हैं जिसके ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके होते हैं तो फिर ना तुम कमेंट करते हो तो फिर बाद में ना इमेज ना बेकार हो जाती है फिर वो शेयर आए शेयर आए वाली बात हो जाती है अब दो लोगों ने अभी भी कमेंट किया है सर्वर इश्यूज़ के बारे में हम पाँच दस मिनट पहले बात कर चुके हैं ठीक है है ना अब तुम दोनों के नाम मेरे दिमाग में छप गए ठीक है अब नेक्स्ट टाइम जब तुम तो सच में बात करोगे तब तो भी मैं कहूँगा यार छोड़ यार ऐसे ही बोल रहे हैं क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस पार्टनर्स विद द इंडिया मोटगेज गारंटी कॉरपोरेशन टू ऑफर द मोटगेज बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स ओके सो यहाँ पर आपका क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस ने पार्टनरशिप किया है इंडिया मोटगेज गारंटी कॉरपोरेशन के साथ सो इंडिया मोटगेज गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड एंटर इंटू दिप विदिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अब ये यह यहाँ पर जो काम किया गया है मोटगेज बैग्ड होम लोन प्रोडक्ट्स का ज बैक होम लोन पहले मोर्डगेज मोटगेज एक ऐसी चीज गिरवी 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 रखने रखने का एक जरिया. रखने के एक जरिया के है है बहुत सारी चीजें में रखी है, लोन लेने के लिए तो उनमें से एक टर्म मोर्डगेज भी आती है मोर्डगेज आपके गिरवी रखने के term तब की टर्म तब यूज की जाती है जब आप बैंक में किसी भी तरह के इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर्डगेज रखते हो जो प्रॉपर्टी किसी भी तरह से मूव नहीं कर सकते बिल्कुल फिक्स्ड है यानी कि आपकी लैंड हुई आपकी बिल्डिंग हुई आपका घर हुआ आपकी दुकान हुई इस तरह की चीजें और एज वेल एज दी अगर कोई मशीनरी है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड फिक्स्ड है है किससे साथ साथ जो कि आपके ज़मीन के साथ है, वो मूव नहीं कर सकती उसको भी जब बैंक में गिरवी रखा जाता है मोटकेज होता है अगर वही मशीन मूव कर सके अगर वही चीज मशीन मूव कर सके वो आपकी जमीन के साथ अटैच ना हो तो जब वो चीज गिरवी रखी आती है मूवमेंट वाली चीज को उसको हम हाइपोथिकेशन कहते हैं ध्यान से सोच समझ के जो भी एक इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है मूवेबल को हम करते हैं और जो फिक्स्ड फिक्स होती हैं उनका मोटकेज करते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है बट एक ये एग्जाम्पल काफी एक अच्छा आपको लगेगा जो मशीनरी वाला है अगर कोई भी मशीनरी जमीन के साथ जुड़ी है बिल्कुल फिक्स है एक कमरा है जिसके अंदर मशीन लगी हुई है और उसको डी करना बहुत मुश्किल है आपका ठीक है ओके okay, अगर डी इंस्टॉल उसको किया जाएगा तो वो काम की नहीं रहेगी तो इस तरह की कोई जुड़ी हुई है उसको मोटकेज किया जाता है बट अगर वही मशीन मूवेबल है अगर वो एक कमरे से हटा दूसरे कमरे में लेके जा सकता तो तो है तो वो गिर भी रखेंगे उसका हाइपोथिकेशन करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका मोटकेज बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट यानी कि होम लोन लिया होम लोन में क्या करेंगे हम हाउस गिरवी रखेंगे हाउस गिरवी रखने का मतलब हम मोटगेज ही करेंगे तो ऑब्वियस यहाँ पर मोटगेज बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स इसके लिए यहाँ पर आपका इंडिया गारंटी कॉर्पोरेशन ने टाइप किया है क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ यानी कि क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है अगर आपको हाउसिंग लोन देता है तो उस हाउसिंग लोन की गारंटी जो है वो इंडिया मोटगेज गारंटी कॉरपोरेशन देगा यानी कि अगर किसी भी तरह के लोन में डिफॉल्ट होता है तो इंडिया मोटगेज गारंटी कॉरपोरेशन आपको यहाँ पर उसकी गारंटी दे रहा है वो कस्टमर के विभाग पर आपको पे करेगा अब इसमें इनको क्या फायदा इंडिया मोटगेज गारंटी कॉरपोरेशन का इंडिया मोटगेज गारंटी कॉरपोरेशन को ये फायदा कि जब यहाँ पर लोन दिया जाएगा होम लोन प्रोडक्ट दिया जाएगा तो ये कुछ फीस चार्ज करेंगे क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ओके okay, और ये फीस के बदले में वो यहाँ पर उनको गारंटी की एश्योरेंस देंगे अब मान लीजिए सौ अकाउंट की और उनको कमीशन अच्छा खासा मिल रहा है और सौ में से हार्डली कोई एक अकाउंट डूबा और वो भी डूबा तो नहीं कहेंगे बट गारंटी कॉरपोरेशन उसमें पूरी की पूरी आपकी मदद करेगी उनकी रिकवरी के लिए ठीक है सो so, आई ने फिलहाल अट्ठारह ऐसी कंपनीज के साथ टाइप किया हुआ है जिसके सीईओ महेश मिश्रा है आगे चलते हैं हम कोटेक महिंद्रा बैंक ने अपना 20 करोड़ का इक्विटी शेयर एयरटेल पेमेंट बैंक को यहाँ पर सेल uh, किया तो सैलर ट्वेंटी करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक का सॉरी एयरटेल पेमेंट बैंक का जो 20 करोड़ इक्विटी स्टेक है वो भारतीय एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ये सेल करेंगे कोटेक महिंद्रा बैंक कोटेक महिंद्रा बैंक टू करोड़ रुपीज में यहां पर आपका सेल किया जाएगा ठीक है ट्वेंटी करोड़ इक्विटी स्टेक एटल पेमेंट बैंक के भारतीय एंटरप्राइजेस को जाएंगे कोटक महिंद्रा के द्वारा दीज आर दी स्टेट आगे चलते हैं हम अलर्कारीज इनको पांचवा प्रेसिडेंट एस्टोनिया का चुना गया ओके पांचवा प्रेसिडेंट वन बने अलर्कारीज बने यहां पर और जगह ली उन्होंने करस्ती कलजुलेद की ओके जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट थी एस्टोनिया की तो अब उनकी जगह आए हैं अलर्कारीज जो कि डायरेक्टर है एस्टोनियन नेशनल म्यूजियम के प्रिंस पाल सिंह पहले इंडियन बने जो कि एनबीए चैंपियनशिप यहां पर रोस्टर में पार्ट प्रिंस पाल सिंह बाजवा पंजाब से बिलोंग करते हैं आपके ये बने पहले भारतीय जिन्होंने एनबीए टाइटल जीता एनबीए टाइटल विनिंग टीम के ये हिस्सा बने वेन टीम सेक्रामेंटो किंग्स ने यहाँ पर 2021 का एनबीए समर लीग लास वेगस में जो हुआ था वो आपका जीता ठीक है सो प्रिंस सिंह बाजवा पंजाब से बिलोंग करते हैं पहले पहले भारतीय जिन्होंने इस विनिंग टीम का हिस्सा बने थे एनबीए सुपर लीग जीतने वाली कौन सी टीम थी नाम क्या था सेक्रामेंटो किंग्स इन्होंने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एन जी लीग के साथ इग्नाइट एंड ये बने थे पहले एन एकेडमी ग्लोबल एल्विनी जिन्होंने इस तरह की लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और पहले एवर एन एकेडमी इंडिया एलविनी जिन्होंने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था नाम अच्छे से याद रख लेगा स्पोर्ट्स पूछा जा सकता है प्रिंसपाल सिंह बाजवा कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं एन बी बास्केटबॉल का होता है जिनको नहीं पता एनबीएस रिलेटेड टू बास्केटबॉल राइट आगे चलते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेल स्टेन रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट ओके सो यहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट डेल स्टेन यहाँ पर आ, क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं काफी खतरनाक बॉलर माने जाते थे अपने समय के साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एंड डेल विलियम स्टेन अनाउंस हिस्स रिटायरमेंट एंड इन्होंने नाइन्टी थ्री टेस्ट खेले फोर विकेट्स हासिल किए थे रॉयल चैजलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेल चुके हैं सनराइजर हैदराबाद गुजरात के इंडियन प्रीमियर लीग में एंड इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था 2013 के विजडन दो फॉर द ईयर एंड विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2013 में ठीक है सो द साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेल स्टेन इनका नाम है रिटायर हो चुके हैं सभी तरह की क्रिकेट से बंगाली ओथर बुद्ध देव गुहा इनका हाल ही में निधन हो गया बंगाली ओथर आपके एमिनेंट बंगाली ऑथर बुद्धा देव गुहा प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट भी थे क्लासिकल सिंगर भी हैं हैंटर इनका निधन हो गया ये जाने जाते थे उनके एक नोवेल मधुकरी के नाम के लिए विच इज कंसिडर एजन माइल्ड स्टोन इन बंगाली लिटरेचर एंड ऑल्सो ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द फिक्शन करेक्टर इन बंगाली लिटरेचर रिजूदा हंड्रेड टर्न कंजर्वेश कुछ करेक्टर्स इसके लिए वो जाने जाते थे मधुकरी काफी फेमस एक नोवेल था नाम है बुद्धा देव गुहा इनका हाल ही में निधन हो गया ओके okay, मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो पसंद आएगा लाइक जरूर कर देगा सेशन को इसी तरह हमेशा जुड़े रहिए रात को दस बजे एम सी क्लासों के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके एनरोल कर लेना एंड स्टडी नहीं थी। वेबसाइट डाउन है हमें मालूम है काम चल रहा है बहुत जल्दी सही हो जाएगा ठीक है टेक केयर लव यू ऑल बाय सी यू टू नाइट टेट पी एम